नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कंबोज और आपका स्वागत है कार क्वेस्ट में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्कोडा रैपिड मैड एडिशन के बारे में। बेसिकली इसके अंदर आपको सिर्फ यही ऑप्शन मिलता है, ये एक वेरिएंट ही आएगा यहाँ पे, और जो कलर आपको मिलेगा वो मैट ग्रे कलर आपको ये मिलेगा। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको ग्लॉसी कलर्स पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि एक मैट एडिशन, क्योंकि काफ़ी लोग आफ्टर मार्केट मैट कलर करा लेते हैं, लेकिन उनके लिए ये कलर एक यहाँ पे अवेलेबल है जो स्कोडा ने दी है। मैट ग्रे फिनिश ये आपको मिलेगी और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, एक स्पोर्टी फील गाड़ी में दे देता है। तो फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप फ्रंट में देखते हैं, इसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं और बिल्कुल सामने की तरफ आपको स्कोडा सिग्नेचर ग्रिल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। वर्टिकल लाइंस का यूज़ किया गया है और ये जो सेंटर में ये जो कंप्लीट पार्ट आपको मिल रहा है, ये यहाँ पे रफ ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। इसके सराउंडिंग्स जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दे दी गई है जो देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। देन इस इंजन हुड को थोड़ा सा, इसका जो ये फ्रंट नोज़ है इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया गया है और इसके ऊपर ही यहाँ पे स्कोडा का लोगो भी दे दिया गया है। अगेन इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको लगेगी। जब इन हेडलैम्प यूनिट्स को आप देखते हैं तो हेडलैम्प यूनिट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इनका साइज़ काफ़ी अच्छा रखा गया है। यहाँ पे हलोजन प्रोजेक्टर लैंप आपको मिल जाएगा और हाई बीम के लिए नॉर्मल बल्ब यहाँ पे मिलेगा। ये आपको LED DRLs मिल जाते हैं और यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा। अंदर की तरफ भी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है जिससे एक स्पोर्टी फील गाड़ी को मिलती है। और जब उसके थोड़ा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये फॉग लैंप हाउसिंग मिल जाएगी। फॉग लैंप हाउसिंग काफ़ी बड़ी रखी गई है और यहाँ पे भी आपको नॉर्मल हलोजन बल्ब इसके अंदर मिल जाएगा। देन जब इस फ्रंट बम्पर को भी आप देखते हैं तो इसको भी कंप्लीट यहाँ पे मैट फिनिश दी गई है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और नीचे की तरफ ये हनीकॉम पैटर्न का यूज़ किया गया है। बेसिकली जो आपको एयर फ्लो के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा, जिससे जो एयर फ्लो है वो काफ़ी अच्छे से होगा और इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इस नोज़ को एक्सटेंड करने के लिए इन कर्व्स का जो यूज़ किया गया है और साइड में यहाँ पे ये जो कर्व्स दी गई हैं, ये गाड़ी के फ्रंट को काफ़ी अच्छी एक लुक्स यहाँ पे दे देते हैं। तो ये थे फ्रंट लुक्स स्कोडा रैपिड मैड एडिशन के। अब चलते हैं गाड़ी के साइड में और एक बार चेक कर लेते हैं गाड़ी को साइड से। तो जैसे आप सब जानते हैं कि जो स्कोडा रैपिड एक सेडान सेगमेंट के अंदर आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है 4413 mm। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे मैट एडिशन के अंदर आपको इस फ्रंट बम्पर पे यहाँ पे स्कर्टिंग्स मिल जाएंगी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, और स्कर्टिंग्स आपको साइड में यहाँ पे भी मिलेंगी इस कंप्लीट साइड में। बात कर लेते हैं गाड़ी के अलॉय व्हील्स की। जब टायर साइज़ आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको 16 इंचेस अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया। अगेन इनकी जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छा ही रखी गई है। यहाँ पे टायर साइज़ आपको 195/55 टायर सेक्शन मिल जाएगा। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पे मिल रही है। और जब इन ORVMs को देखते हैं तो ORVMs को यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है। LED ब्लिंकर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे और ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल आपको मिल जाएंगे। ORVMs की तरह ही हैंडल को भी यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश दे दी गई है। तो अगेन अगर इस कलर के साथ इसको भी रफ मैट ब्लैक फिनिश दे दी जाती तो ये इसके साथ मैच करके काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता। बी पिलर भी जब आप देखते हैं तो बी पिलर पे भी यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। अगेन जिसकी वजह से ये जो पार्ट है ये इस तरह से लगता है ये कंप्लीट एक जॉइंट है। और रियर में भी यहाँ पे क्वार्टर ग्लास दे दिया गया है जिसकी वजह से अंदर की तरफ जो लाइट जाएगी वो काफ़ी अच्छे से जाएगी, जिसकी वजह से अंदर रूमी फील होगा। और जो आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वो 55 लीटर्स का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाएगा। तो ये थे साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं गाड़ी के रियर में और एक बार चेक कर लेते हैं रियर से। तो जिस तरह गाड़ी के जो लुक्स हैं सिंपल सोबर फ्रंट से हैं, उसी तरह आपको रियर से भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल टॉप से हम स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप पे यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना मिल जाएगा। देन रियर शील्ड पे आपको डिफोगर का ऑप्शन मिल जाएगा और हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे दिया गया है। उधर की तरफ आपको रैपिड का बैज और सेंटर में स्कोडा लोगो और इधर की तरफ स्कोडा का बैज मिल जाएगा। और जब इन टेल लाइट्स को आप देखते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल बल्ब्स दिए गए हैं आपको। बैक लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, वो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस जब रियर बम्पर को देखते हैं तो ये भी कंप्लीट, इसको भी मैट फिनिश यहाँ पे दी गई है। आपको 3 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और जो सेंसर्स की पोजीशनिंग है उनको प्रॉपर कॉर्नर्स में दिया गया है, जिससे आप जब गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पे कैमरा दिया गया है और अगेन जो कैमरा की पोजीशनिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है, जिसकी वजह से आपको रिवर्स करते टाइम काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। बूट ओपनिंग के लिए आप यहाँ से
की का यूज़ करके बूट ओपन कर सकते हैं। आपको की पे भी कंट्रोल मिलता है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक बटन भी मिल जाता है, उसको प्रेस करते हैं तो ये बूट इस तरह से ओपन हो जाएगा। ऑल दो इसका ये जो मैकेनिज्म है इसको चेंज करके अगर यहाँ 4 बार मैकेनिज्म यूज़ किया जाता तो बूट स्पेस और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता था। ऑल दो आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है, 460 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है। एक बार स्पेयर व्हील चेक कर लेते हैं, तो जब स्पेयर व्हील आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये 14 इंची स्टील रिम मिल जाएगा। टूल किट प्रॉपरली यहाँ पे पैक्ड रखी गई है और नाइट यूजेस के लिए आपको यहाँ पे बूट लैंप भी दिया गया है। तो ये था आप बूट स्पेस और रियर स्कोडा रैपिड का। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पर, एक बार चेक कर लेते हैं गाड़ी का रियर सीटिंग कम्फर्ट। तो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम्स आपको मिलते हैं वो ड्यूल शेड के साथ आपको मिलेंगे। यहाँ पे हर जगह जो मटेरियल यूज़ किया गया है ये हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ किया गया है, सॉफ्ट टच आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा। एक बार सीट्स आप देख लीजिए, यहाँ पे ये जो सीट्स हैं ये एडिशनल यहाँ पे लगी हुई है, आपको ये मैट एडिशन के अंदर मिलती है। ये यहाँ पे लेदर फील दिया गया है और सेंटर में यहाँ पे वेलवेट का यूज़ किया गया है, तो देखने में सीट्स आपको डिसेंट ये लगने वाली है। अब एक बार रियर सीट्स भी चेक कर लेते हैं। जो फ्रंट सीट्स है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। अगर मेरी हाइट का बंदा सामने की तरफ बैठता है उसके बाद आपको पीछे की तरफ ये स्पेस मिलने वाला है। जो सिटिंग पोस्चर है वो VW ग्रुप का काफ़ी अच्छा हर जगह लगता भी होगा आपको, क्योंकि ये जो इसका ये एंगल है सिटिंग एंगल ये काफ़ी अच्छा रखा गया है, जिसकी वजह से सिटिंग जो रहती है वो इस तरह से आपकी रहती है। और थाई स्पोर्ट भी आपको प्रॉपर मिल रहा है, यहाँ पे लेग रूम भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी का जो व्हील बेस यहाँ पे है 2552 mm आपको व्हील बेस मिलता है। हेडरेस्ट आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे और सेंटर में एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा। अगेन इसकी जो पोजीशनिंग है ये भी अच्छी रखी गई है, कोई भी कप होल्डर्स का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। 2 बंदे कंफर्टेबली गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, अगर कहीं लॉन्ग रूट पे भी आप जा रहे हैं 2 बंदे काफ़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं कंफर्टेबली। लेकिन जो सेंटर में अगर पैसेंजर बैठता है तो उसके लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सेंटर हम्प की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे रियर में सिर्फ 2 बंदे ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे AC वेंट मिल जाएगा रियर पैसेंजर्स के लिए, एक कप होल्डर या बोतल होल्डर जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं, और एक 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए मोबाइल चार्जिंग के लिए। तो ये था रियर सीटिंग कम्फर्ट। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ कि किस तरह की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको एक इस तरह की मिलेगी और जो दूसरी की मिलेगी वो इस तरह की सिंपल की मिलती है। यहाँ पर लॉक बूट ओपनिंग के लिए और अनलॉक के लिए कंट्रोल, और इस तरफ आपको ये स्कोडा लोगो मिल जाएगा। तो डोर्स जैसे ही आप ड्राइवर डोर ओपन करते हैं सेम आपको यहाँ पे जो डोर पैड्स मिलेंगे वो ड्यूल टोन के साथ ही मिलेगा। यहाँ पे भी कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, यहाँ से मिरर एडजस्टमेंट और फोल्डिंग के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं, 1 लीटर बोतल होल्डर और बूट ओपनिंग के लिए कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेगा। अब एक बार ड्राइवर सीट भी हम देख लेते हैं। जो ड्राइवर सीट आपको मिलने वाली है वो 6-way एडजस्टेबल है, आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन एंगल और स्लाइड इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। इधर की तरफ आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, फोग लैंप्स ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं और लाइट एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर पाएंगे। स्टेयरिंग जो आपको मिलता है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग मिलने वाला है। डी कट आपको स्टेयरिंग यहाँ पे दिया गया है, लेदर रैप स्टेयरिंग मिल जाएगा, 3 स्कोप व्हील आपको ये मिलता है, और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं सामने की तरफ इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो एक बार इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो आप जैसे ही इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा, बिल्कुल सिंपल सोबर इसको रखा गया है। इधर की तरफ आपको मिलेगा RPM मीटर, बिल्कुल सेंटर में एक DIS और इधर की तरफ एक स्पीडोमीटर। यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से इन इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो हर चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल कंसोल की। तो जब इस सेंट्रल कंसोल को आप देखते हैं, गाड़ी को अंदर से भी बिल्कुल सिंपल सोबर रखा गया है, ऊपर की तरफ AC वेंट्स और इनके सराउंडिंग भी क्रोम का यूज़ किया गया है, रियर डिफोगर लाइट और यहाँ पे कार्ड होल्डर और एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी ये ऑन नहीं है क्योंकि इसका PDI चेक अभी पेंडिंग है, तो आप नॉर्मल गाड़ी लेते तो टच स्क्रीन आपको मिलेगा जिसके अंदर एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे, USB ऑक्स और एक SD कार्ड के लिए स्लॉट भी दिया गया है। नीचे की तरफ आपको एक ऑटो AC की यूनिट मिलेगी, ये देखने में काफ़ी अच्छी है, और बटन्स की जो क्वालिटी है इनको भी काफ़ी अच्छा रखा गया है।
उसके थोड़ा सा नीचे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये स्पेस मिल जाता है, तो आप कप होल्डर्स यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये आपको मिल जाता है, आप यहाँ पे कप रखिए। और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए। 6 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन है और यहाँ पे भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है। सेंटर में जब आप देखते हैं तो हैंड ब्रेक और ये आर्मरेस्ट मिलेगा आपको, इसको आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे इसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जब ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको छोटा सा ये स्टोरेज यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप छोटा मोटा कुछ सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर भी लेदर फील ये दे दिया गया है। और जब डैशबोर्ड को आप देखते हैं तो आपको ये ड्यूल टोन फिनिश यहाँ पे मिलेगी, ये आपको ब्लैक फिनिश और यहाँ पे ये लाइटर शेड का यूज़ किया गया है। ग्लो बॉक्स जब आप देखते हैं तो स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, इल्यूमिनेशन यहाँ पे लाइट भी आपको मिल जाएगी, नॉर्मल ग्लो बॉक्स ये यहाँ पे दिया गया है। और जब वैनिटी मिरर आप देखते हैं तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाएगा, आपको ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। जो IRVM है ये डे नाइट आपको मैनुअली आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इंटीरियर स्कोडा रैपिड मैट एडिशन के। अब बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन कार के प्राइस के बारे में, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ सिदक स्कोडा करनाल के शोरूम में। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए कोई भी स्कोडा की कार परचेज़ करने की, तो सामने स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके अपने लिए किसी भी कार की डिटेल्स और बेस्ट डील ले सकते हैं। बात कर लेते हैं रैपिड के सेफ्टी फीचर्स की। ऑल्दो आप सभी जानते हैं कि जो स्कोडा की बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और इस गाड़ी को एशियन एनकैप के अंदर 4-स्टार रेटिंग मिली हुई है। ड्यूल एयरबैग, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और कैमरा, ये सब आपको मिल जाएगा। ESP फंक्शनैलिटी, ये सब सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं स्कोडा रैपिड के अंदर। वहीं जब आप इंजन देखते हैं तो आपको सिर्फ ये गाड़ी पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल रहेगी। आपको 1.0 लीटर TSI इंजन मिलता है, जो एक 3-सिलेंडर इंजन है, जो पावर जनरेट करता है 110 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 175 न्यूटन मीटर्स का। स्टैंडर्ड वारंटी आपको यहाँ पे जो मिल रही है वो मिल रही है 4 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर की। आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 6 ईयर्स और 1.5 लाख किलोमीटर्स तक। तो जब भी स्कोडा की बात आती है या VW की बात आती है, तो सबसे पहले माइंड में एक बात क्लिक होती है कि इसका जो सर्विसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो उसी के लिए स्कोडा ने सर्विस पैक्स दिए हैं। अगर आप ये गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो आपको सर्विस पैक यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 4 ईयर्स और 60,000 किलोमीटर्स जो भी रेगुलर जो सर्विस होती है वो सब इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 20,000 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं कार के प्राइस की। तो ये जो मैट एडिशन है ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ अवेलेबल रहेगा। अगर आप इसको कंसीडर करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो ये गाड़ी है, तो इसका प्राइस रहेगा 11,99,000। और अगर आप कंसीडर करते हैं ऑटोमेटिक तो उसका प्राइस रहेगा 13,29,000। तो दोस्तों ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो स्कोडा रैपिड मैट एडिशन का। आप मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।